Which of the following reactions increase production of dihydrogen from synthesis gas? तो सिंथेसिस गैस होती है। सिंथेसिस गैस होती क्या, पहले तो ये देखो, पहले मैं इतनी सी बात बताता हूँ कि सिंथेसिस गैस क्या होती है। द मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 इज कॉल्ड वाटर गैस और सिन गैस, या फिर इसको सिंथेसिस गैस भी कहते हैं। क्या होते हैं सिंथेसिस गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होती है। इसके और क्या नाम है? सिन गैस, सिंथेसिस गैस या फिर वाटर गैस। चलो, ये बनती कैसे है सिन गैस? रिएक्शन ऑफ स्टीम विद कोक एट हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यील्ड सिन गैस। कोल की रिएक्शन आप किसके साथ करते हो? स्टीम के साथ, हाई टेम्परेचर पे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाता है? सिन गैस बन जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोल गैसिफिकेशन। तो कोल गैसिफिकेशन से सिन गैस बनती है। ओके, सिन गैस में भी हाइड्रोजन तो है ही, है ना? तो आप चाहते हो कि आप सिन गैस से और हाइड्रोजन बनाओ। कैसे बनाओगे, कैसे इंक्रीज कर सकते हो? तो उसका आंसर है, प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन ऑब्टेन फ्रॉम कोल गैसिफिकेशन कैन बी इंक्रीज्ड। कोल गैसिफिकेशन से भी आपने हाइड्रोजन बनाई है ना, बनाई है ना। देखो हुआ क्या है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन तो वाटर से आई है, कोल है कोल, हाइड्रोजन है। कोल क्या करता है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो वाटर को रिड्यूस कर देता है, स्टीम को रिड्यूस कर देता है, हाइड्रोजन बना देता है, और खुद क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया ऑक्सीडाइज होके। अब कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड तो बन सकती है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है, और वाटर को और रिड्यूस कर सकती है हाइड्रोजन में। तो इसलिए आप सिन गैस में से कार्बन मोनोऑक्साइड को अगेन एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड बना दो उसको, और वाटर को फिर से वो हाइड्रोजन बना देगा। ये प्रोसेस हम यूज करते हैं यहाँ पे। द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन फ्रॉम कोल गैसिफिकेशन कैन बी इंक्रीज बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ सिन गैस मिक्सचर विद स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट एज कैटलिस्ट। तो हाइड्रोजन तो छोड़ो उसको, उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको फिर से, मतलब पूरी की पूरी गैस को ही रिएक्ट कर दिया आपने स्टीम के साथ। तो स्टीम हाइड्रोजन के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं, किसके साथ रिएक्ट करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, और स्टीम फिर से हाइड्रोजन बन जाएगी। इसको वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर, सोडियम आर्सेनाइड, सोडियम आर्सेनाइड, ये पूरी की पूरी जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर, इसको सोडियम आर्सेनाइड के सोल्यूशन से पास कर देते हैं। तो सोडियम आर्सेनाइड के सोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब हो जाता है, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, इस तरह से वो अलग हो जाते हैं। क्लियर है? तो क्या किया आपने, कैसे कैसे बनाया? पहले कोल लिया, उसके ऊपर स्टीम पास करी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और हाई टेम्परेचर पे, तो क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। फिर से उसके ऊपर फिर से स्टीम पास कर दी, तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बन गया। तो सेकेंड वाली रिएक्शन को क्या कहते हैं? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। इस तरह से आप सिन गैस से हाइड्रोजन की प्रोडक्शन और बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगला। डाई हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन कमर्शियल स्केल बाय डिफरेंट मेथड्स। तो H2 को हम कमर्शियल स्केल, मतलब बहुत लार्ज स्केल में बना सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके हैं। इन इट्स प्रेपरेशन बाय एक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन्स अ मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 गैस इज फॉर्म्ड। जब आप स्टीम को हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट कराते हो, ठीक है, तो क्या बन जाता है? मिक्सचर ऑफ CO एंड H2, यहाँ रिएक्शन कराई हुई है। देखो, ये है हाइड्रोकार्बन, निकल कैटलिस्ट 1270 केल्विन टेम्परेचर में स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बना देगा। मतलब क्या है कि स्टीम को आप चाहे कोल के ऊपर पास करो, चाहे हाइड्रोकार्बन के ऊपर पास करो, तो क्या बना देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन वो बना देता है। तो इसको क्या कहते हैं? सिन गैस, वाटर गैस या सिंथेसिस गैस। तो आंसर क्या आ गया? वन और टू। ठीक है, फिर है ये प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और N2, ये भी याद कर लेना। तो इंडस्ट्रियल गैस कोई एक गैस नहीं है, मतलब जो भी गैसेस इंडस्ट्री में यूज हो रही हैं, तो प्रोड्यूसर गैस और सिन गैस ये याद रखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाउ कैन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस बी इंक्रीज्ड
बाई यूजिंग वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ये फिर रिपीट हो रहा है, रिपीट हो गया ना। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या थी? पहले आपने कोक लिया, उसके ऊपर क्या पास कर दिया? स्टीम, स्टीम पास कर दी, है ना। स्टीम पास कर दिया तो क्या बन गया? कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोऑक्साइड और और क्लोरीन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो उसको क्या कहते हैं? वाटर गैस। अब क्या किया, उसके ऊपर फिर से स्टीम पास कर दी तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और H2। तो ये सेकेंड रिएक्शन करिए, इसको हम क्या कहते हैं? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो ये हमने ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वही थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, ठीक।